मिलात वेलफेयर ट्रस्ट के देखरेख में घोषपारा रोड के ऊपर कांकीनारा में मस्जिद मनबोध सरदार का जोर शोर से चल रहा है पुनर्निर्माण का काम। देखिए इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं जनाब मकसूद आलम। ये सबसे पहले बात यह है कि 24 घंटा के लाइव के माध्यम से के जरिए मैं लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी मनबोध सरदार मस्जिद जो कदीम मस्जिद थी जिसे शहीद कर करके अशरन और तामीर की जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से यहाँ काम चल रहा है। लोगों ने जिस तरह से माली ताउन किया है, लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन भी जाना चाहिए कि काम किस तरह से चल रहा है, क्योंकि बहुत सब लोग तो आ नहीं पाते, सब लोग देख नहीं पाते, सब लोग आज के दिन में मशगूल हैं, अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो मैं चाह रहा था कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि काम जो आपने पैसा दिया है वो काम किस तरह से यहाँ चल रहा है। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कैसा काम चल रहा है। एक यहाँ पर नहीं भी तो कम से कम 80 पाइलिंग करीब करीब हुई है और 80 पाइलिंग में तकरीबन 23 पिलर खड़ा होंगे और हर पिलर में आप देख रहे हैं कि कहीं 20 mm का रोड है, कहीं 16 mm का रोड है, 20 mm का रोड ज़्यादा से ज़्यादा लगा है। कितना लागत खर्च हो सकता है ये सबको आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग ये कहना चाह रहे थे बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही तेज़ी के साथ ये चल रहा है काम, तो इसमें माली ताउन की भी ज़रूरत है। माली ताउन उस वक्त हमें और ज़्यादा मिलेगा जब लोगों को ये समझ में आएगा वाकई मेरा पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कमेटी इस बात की पूरी ख्याल रखी है कि आपका पैसा सही जगह लगे और मस्जिद जो अशरन तामीर हो रही है बहुत ही मजबूती के साथ अपने पाए तकमील तक पहुँचे। अभी हमारा जो इरादा है काम करने का G+3 का, इन फ्यूचर में अगर लोग यहाँ के चाहेंगे बढ़ाने के लिए तो बढ़ भी सकता है। इसकी एक यहाँ पर क्लॉज रखा गया है कि आप इसको जब चाहें तोसी कर सकते हैं। तो इस मकसद से इस काम को किया जा रहा है। सिर्फ हमारी गुजारिश यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और आपको काम दिखाने का मकसद ये है कि आप देख कर पहले सेटिस्फाई हों कि किस तरह से काम आपका हो रहा है। तो हमें माली ताउन की ज़रूरत है। आप लोगों ने बहुत ताउन किया है, मस्जिद को बहुत ताउन किया है, बहुत खर्च आया है और खर्च हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बचा पा रहे हैं कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान, यहाँ के जो प्रमोटर लाइन में काम करते हैं वो लोग मस्जिद के लिए वो इसमें कमर्शियल रूप से काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना जो उनका एक्सपीरियंस दे रहे हैं। वहाँ से माल जो आता है वो पैसा जो खर्च हो रहा है, समझ लीजिए कि सिर्फ पाइलिंग में जिस हम लोगों ने जिस तरह से कॉन्टैक्ट किया था तो उन्होंने 50 लाख कहा था, 50 लाख करीब खर्च आएगा सिर्फ पाइलिंग में। वहाँ यहाँ के लोग मस्जिद कमेटी और लोग मिलकर काम को 22-25 लाख में कंप्लीट किए हैं। तो सोचिए कितने कम कीमत में कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी पैसे की बहुत ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुँच रहा है तो माली ताउन करें, क्योंकि अभी रमज़ान महीना चल रहा है और ईद का भी मौसम है, ईद भी आने वाला है, तो इसमें खर्च तो काफ़ी है, जकात भी निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन इसके बाद ईद के बाद आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि आपके इलाके की ये मस्जिद जो नए सिरे से काम चल रहा है, तामीर हो रही है, इसके लिए आप ज़रूर एक बार नज़र रखें और देख रहे हैं कि जैसे नमाजियों के लिए यहाँ पर टेंट बनाया गया है ताकि नमाज में कोई खलल ना हो, वो भी अपने काम उधर भी चल रहा है और ये काम भी हो रहा है। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से ताउन हमें मिलेगा, यही हमारी उम्मीद रहेगी। शुक्रिया। प्रश्न आता है कि मस्जिद के पास जो व्यवसायी लोग थे उनको आप लोगों ने बाहर भी व्यवसाय करने के लिए दिया है, उनको रोका नहीं गया, किसी तरह से आगामी दिन उनको किस तरह का स्थान दिया जाए? देखिए पहली बात यह है कि जिनका जो रोज़गार का जो जगह है वो जगह उनका वापस मिलेगा ही और उनका रोज़गार चलता रहे, इसके लिए भी कमेटी ने खास इंतजाम किया और बाहर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेंट बना हुआ है, वहाँ अपना वो लोग बिजनेस चला रहे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा वो लोग फिर अपने नए जगह में शिफ्ट हो जाएंगे और अपना काम वो जैसे चल रहा तो चलाते रहेंगे। जो जो शामिल है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं हर समय, उनका थोड़ा नाम बता दीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले तो हमारा राजा जो प्रमोटिंग लाइन में है काफ़ी वक्त देता है, उसके साथ सारा कमेटी है और इलाके के सब बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, जो मोहम्मद दीन है और भी सारे लोग हैं, अख्तर हैं, हमारे विक्की है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मोहल्ले के लोग, इस खास करके जो यहाँ के इलाके के लोग हैं वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे, चूँकि उनके करीब पड़ता है, ये आसपास के लोग भी आ रहे हैं तो उनका भी ताउन है पूरा है। जैसे अब गुड्डू बोलकर के लड़का इफ्तिखार है, बहुत सारे लोग हैं, नाम अभी जहन में नहीं आ रहा। देर रात तक काम चल रहा है तो काम चलता रहे, कम से कम तो 3 साल चलेगा ये काम, लेकिन पहला साल में हम लोग काम को ऐसा कर देना कि ताकि लोग यहाँ नमाज कायदे से पढ़ सकें, पहला टारगेट यही है, उसके बाद धीरे धीरे अपना काम चलता रहेगा। जो नमाज पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर नमाज आके पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए आप देख ही रहे नया जो टेंट बनाया गया है और टेंट अपनी नमाज वो पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। काफी लोगों ने इस धार्मिक कार्य के लिए दिया है अपना महत्वपूर्ण योगदान।
अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमको इस मौका मिला मस्जिद हम लोग का अपना लाइफ में पहली बार तो हम देखे मस्जिद बनते हुए, इसलिए हम सोचे कम से कम अल्लाह का ये बहुत बड़ा मौका है कि हम इसमें जाकर के मस्जिद में हाथ बढ़ाए काम करें, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मस्जिद मनबोर सरदार जो 1 दिसंबर से काम शुरू हुआ है और अब तक 80 पाइलिंग का काम मुकम्मल हो गया जो ज़मीन के नीचे है, और उसके बाद ये 26 से 27 पिलर तैयार होना है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि योगदान आप जितना देना चाहते हैं इसमें दीजिए, आपका पैसा रहेगा नहीं जाएगा, इसका सवाब आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और हर पैसे का पाई पाई हिसाब कमेटी रखी है और हर वक्त हफ्ते हफ्ते जो है वो सब कुछ दिया जाता है। लोग ये भी देखते हैं कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, वो भी अपने ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, बहुत पैसे लोग काट काट के ला के दे रहे हैं। और उसी तरह इस मोहल्ले के लोग और आसपास के 3 नंबर गली 4 नंबर गली 5 नंबर गली के लड़के और अपने मोहल्ले मनबोर सरदार के लड़के सब मिल करके रात के 3-3 बजे तक रोजाना अपना वक्त दे रहे हैं और दे करके ये देखिए मिट्टी काटना, मिट्टी भरना, ये सारा काम हम लोग खुद करते हैं। और इसके लिए मिस्त्री नहीं रखा गया, मिस्त्री सिर्फ काम के लिए, जो काम है असल बुनियाद डालना, ये बनाना, पिलर लगाना, इसी के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इस कार्य को संपन्न करने के लिए उतनी राशि पर्याप्त नहीं, अतः सभी महानुभावों से आगे आने के लिए की जा रही है गुजारिश। आज इस फैशन के जमाने में आसानी से आप भी बनिए ब्यूटीशियन तथा मेकअप आर्टिस्ट। मात्र 3, 6 या 12 महीनों में कोर्स, वो भी बिल्कुल कम खर्च में। तो आज ही संपर्क करें दिए हुए नंबर पर। रडार एजुकेशन, श्याम नगर तथा कांतिनाड़ा।